तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे आर्थर मॉर्गन को अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक शेल्टर मिलता है जो कि एक ओल्ड माइनिंग टाउन था, और आर्थर मॉर्गन सेफली उन लोगों को वहाँ पे लेके जाता है। वहाँ जाके उन लोगों को पता लगता है कि उन लोगों के पास मेडिसिन और खाने की काफ़ी कमियाँ हैं। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डच और आर्थर निकल जाते हैं खाने और मेडिसिन की तलाश में। उसी रास्ते में उन लोगों को अपना एक साथी माइका मिलता है, और वहीं से वो लोग जो है ऑड्रिस्कल्स बॉयज के वहाँ पे जाते हैं। एक फाइटिंग के दौरान वहाँ पे उन लोगों को मिसेस एडलर मिलती है, और साथ ही साथ लगे हाथों आर्थर को एक घोड़ा भी मिल जाता है, कुछ मेडिसिन और खाना भी मिल जाता है। मिसेस एडलर को साथ लेके आर्थर, माइका और डच अपने कैंप की ओर आ जाते हैं। कैंप में आके उन लोगों को पता लगता है कि उन लोगों का एक और साथी जॉन 3 दिनों से लापता है। एबिगेल के रिक्वेस्ट में आर्थर और हैवियर मिलके जॉन को ढूंढने जाते हैं। एक पहाड़ी में कुछ फेरियों के साथ लड़के आर्थर और हैवियर फाइनली जॉन को रेस्क्यू कर लेते हैं। उसी के साथ हम लोग के कहानी का पहला पार्ट वहीं पे ख़त्म हुआ था। कहानी के आगे का पार्ट हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बिग लमन यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आगे और क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं इस बी लेटर वाले एरिया की तरफ, जहाँ पे हम लोग को शायद से एक नया मिशन मिलेगा। मिनी मैप में जो ये बी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हैवियर बाहर ही खड़ा है, ठंड काफ़ी है, तो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा है आग से। तो मिशन का नाम है ओल्ड फ्रेंड्स, जो कभी दोस्त हुआ करते थे। तो दोस्तों के बीच में जो ये बातचीत होता रहता है, वहाँ पे आर्थर के ज्वाइन करता है। हैवियर भी अंदर आ चुका है, और वो लोग जो है एक दूसरे के ऊपर जोक फेंकते हैं। तो एक बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा ही बोल देता है, और माइका जो है गुस्सा हो जाता है, और एक जो है थप्पड़ मार देता है। तभी जो है डच की एंट्री होती है, और वो बोलता है कि अपने आप से लड़ने से अच्छा है बाहर ओड्रिस्कल खड़ा है और उन लोगों को एक सबक सिखाना है, और इसलिए जो है हम लोग जाने वाले हैं, उन लोगों को ढूंढने वाले हैं। तो मॉर्गन पूछता है, मतलब आर्थर पूछता है कि आर यू श्योर अबाउट दिस। तो डच बोलता है कि यस डेफिनेटली, उन लोगों को कुछ ना कुछ सबक अच्छे से सिखाना ही पड़ेगा। No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call. Dutch जो है आर्थर को एक राइफल देता है। तभी जो है आर्थर मॉर्गन बोलता है कि रिवेंज एक लग्जरी है जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन डच बोलता है कि फिलहाल के हालात के कारण जो है, जो हम लोग के हालात चल रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। और एक बंदा है कॉम, वो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कुछ ट्रेन्स और हाईजेक के बारे में, तो इसीलिए जो है हम लोग ऑड्रिस्कल्स को जो है ढूंढने जा रहे हैं। और मिस्टर मैथ्यूज, मिस्टर स्मिथ और मिस्टर पियर्सन को जो है ये कैंप को सेफ रखने की जिम्मेदारी सौंप के डच, मिस्टर मॉर्गन, माइका, ये सब जो है निकल पड़ते हैं ऑड्रिस्कल्स की खोज में, और हम लोग को जो है डच को फॉलो करना है। तो ये जो ये लोग बीच बीच में बातें करते रहते हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। जब तक हम लोगों का प्रॉपर मिशन स्टार्ट नहीं हो जाता, मतलब जो हम लोगों को कुछ करना पड़ता है मिशन में, तब तक जो है हम लोग इन लोगों को ही बातें करने देते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। Tell the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay.
You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. तो काफ़ी लंबा रास्ता चलने के बाद, घोड़े पे बैठने के बाद हम लोग को जो है मिस्टर कॉम की मदद से फाइनली अपना डेस्टिनेशन मिल जाता है। तो एक पहाड़ी है, उसके पीछे काफ़ी धुआं हम लोग को नज़र आ रहा है। तो हो सकता है जो है यही ऑब्डिस्कल्स का कैंप हो और यहाँ से हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डच हम लोगों से पूछता है कि आर वी रेडी जेंटलमैन। तो यस, हम लोग जो है रेडी हैं। तो यहाँ पे डच अपना प्लान रिवील करता है कि मिस्टर मॉर्गन और मैं, मतलब मिस्टर मॉर्गन और डच जो है कैंप का लेआउट समझने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बाकी सब जो है मिस्टर विलियमसन और बेन जो है हिडन पोजीशन में रहने वाले हैं आउटसाइड द कैंप। मिस्टर समर्स और मिस्टर एस्क्वेला का जो है यहाँ पे ही रहने को बुला है, क्योंकि अगर कोई इस तरफ से हम लोग के ऊपर हमला करता है तो हम लोग पहले से ही तैयार है। तो अभी जो है हम लोग को डच के वहाँ पे जाना है और फॉलो करना है, गो टू द क्लिफ एज। ठीक है, तो हम लोग पहले जाएंगे, शायद से हम लोग को पूरा कैंप का व्यू वहीं से देखने को मिलेगा। चलो चलो। तो आगे हम लोग का मेन डेस्टिनेशन है और डिस्कस का कैंप। बाइनोकुलर से हम लोग देख रहे हैं कि कैंप में क्या क्या हो सकता है, कुछ हथियार, कुछ कागजात या फिर एनिमीज, कितने हैं, कितने बाहर हैं, कितने अंदर हैं, ये सब जानकारी जो है हम लोग को यहाँ पे बाइनोकुलर से देख के काफ़ी कुछ मदद मिल सकता है। तो उसी के हिसाब से जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं कि कौन किस तरफ से जाएगा और कौन कहाँ से जाके अटैक करेगा। Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Colm can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on. तो हम लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कैंप के बारे में। तो अभी हम लोग फिर से जो है अपने घोड़े के पास जाएंगे और शायद से हम लोग को घोड़े लेके वहाँ तक नहीं जाना है। वेपन्स नॉट सेट इन योर लोड आउट बिफोर डिस्माउंटिंग विल रिमेन ऑन योर हॉर्स। तो हम लोग को पहले हॉर्स के पास जाना है और जो दस ने हम लोग को राइफल दिया था उसे पिक करना है। तो अभी कहाँ मिलेगा, यहाँ तो शॉटगन है। हाँ, यहाँ पे हम लोग को राइफल मिल चुका है और हम लोगों ने जो है इसको अपना प्राइमरी वेपन बना लिया है। और अभी जो है हम लोग को डच को फॉलो करना है धीरे धीरे। तो हम लोग जो है कैंप में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि काफ़ी ढलान है। तो हम लोग जो है साइड से एक सर्कुलर वे में हम लोग कैंप में एंटर करने वाले हैं। और इन लोगों के बीच में काफ़ी बातचीत होता रहता है। डच पूछता है कि आर्थर को जो डच पे ट्रस्ट था वो क्या अभी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। यही सब जो दोस्तों के बीच में नॉर्मल बातचीत होता रहता है। यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी है, पूरे पहाड़ जो है बर्फ से ढका हुआ है।
और डच और में मतलब मिस्टर मॉर्गन जो है जा रहे हैं वो डिस्कल्स के कैंप तक। चलो तो वो रहा कैंप और हम लोग जो है धीरे धीरे नीचे जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग एक झटके में नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कैंप तक पहुंचने से पहले ही हम लोग जो है ऊपर निकल जाए। तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। अभी बस हम लोग को जो है सबके नज़र से छुप के हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना है और अपना पोजीशन लेना है। ठीक है तो हम लोग जो है यहाँ क्राउच करके जाएंगे क्योंकि बाहर गार्ड्स हो सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है अपना राइफल ले लिया है। वहाँ पे मिस्टर विलियमसन पहले से ही खड़ा है और डच जो है अपना प्लान बनाने वाला है। चलो हम लोग को जो है वहाँ पे पोजीशन लेना है। हम लोगों को क्या यहाँ पे पोजीशन लेना है? नहीं, अच्छा अच्छा ये वाला जो येलो कलर का सर्कल है वहाँ पे लगे यहाँ पे इस जगह पे। तो वो हम लोग के एनिमीज जो है हम लोग के बिल्कुल सामने हैं और हम लोग के डच के कॉल का इंतज़ार है। Look at touch to give instruction. तो हम लोग को यहाँ पे जो है दो ऑप्शन मिलता है। पहला है टेक द लीड और सेंड अ गैंग। तो मैंने सेंड अ गैंग चूज़ कर लिया है। तो मतलब पहले जो है हम लोग के पार्टनर्स उन लोगों पर अटैक करेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ज करेंगे। तो ठीक है पहले इन लोगों से जो है अच्छे से निपट लेते हैं और उसके बाद जो है आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो एक एक गोली में जो है मर जाते हैं अगर वो गोली जो है एकदम सटीक पॉइंट पे लगता है। धीरे धीरे अच्छे गया, ये तो मर गया। तो हम लोग जब माउंटेन के पीक से बाइनोकुलर से देख रहे थे कैंप की ओर तो हम लोग को इतने सारे एनिमीज नज़र नहीं आए थे। हो सकता है कि वो लोग अंदर छुपे हुए थे या फिर हम लोगों ने ही नज़रअंदाज कर दिया था। बेसिकली बाइनोकुलर से देखने का मतलब पर्पस हम लोग का एक ही था कि मिस्टर कॉम कब वहाँ से जाएंगे और हम लोग जो है चार्ज करेंगे। तो काफ़ी सारे एनिमीज हैं, हम लोग पहले इन लोगों को एक ही साथ मार लेते हैं। अभी भी जो है मैं अपने रेड लाइन दिखाया हुआ है, मतलब एनिमीज अभी भी काफ़ी सारे बाकी हैं। लगभग ख़त्म है गाइस। अच्छा ये क्यों रेड डेड है? ये रहा इसको। वहाँ पे एक है। चलो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। जब भी मैं लगभग ख़त्म ही हो चुका है बोलता हूँ तभी जो है दूसरे एनिमी आ जाता है। तो अभी जो है फिलहाल फिर से एक और आ गया, देखो। अरे शायद से इन लोगों का बस एक ही बंदा बचा है और वो भी जो है मर गया है। तो अभी जो है हम लोगों ने सारे जो है एनिमीज को मार डाला है एक एक करके। तो हम लोग जो है
नासों के पास जाना है और उनमें से जो भी सामान मिलता है वो सब उठा लेना है, क्योंकि कैंप में खाने और मतलब रहने का या फिर जरूरी चीज़ें जो हैं काफ़ी कम हैं, और हम लोग को इन नासों में से जो भी है निकालना है। तो इन लाशों में से जो है हम लोगों को, अरे रुको रुको एक मिनट एक सेकंड, फिर से ये लोग आ गए हैं, मतलब जो कैंप में नहीं थे वो लोग भी वापस आ चुके हैं। चलो हम लोग फिर से इन लोगों को मारना पड़ेगा। ये रहा राइफल, तो इन लोगों को पहले मार लेते हैं। ख़त्म ख़त्म। अच्छा तो हम लोग जो है स्क्रॉल बटन दबा के डेटा इफेक्ट जो है इनेबल कर सकते हैं। ये डेटा इफेक्ट जो है ये काफ़ी लेजेंडरी है भाई, मतलब ये काफ़ी यूजफुल है, पर हम लोग इससे मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है दे सकते हैं, उनके साथ बुलेट को फायर कर सकते हैं। चलो आ जाओ सब लोग आ जाओ एक साथ, एडवांस डिफेंड। चलो भाई मारेंगे हम लोग। तो एक एक करके काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स भी हम लोग को दिखाया जाता है इस गेम में कि गोली लगने के बाद लास्ट का क्या होता है। चलो छः मार दिया, तीन छः छः के छः गोली जो है उतार दिया है हम लोगों ने दुश्मन के सीने पे। इसको चार, चलो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, बस दो चार हैं उन लोगों को मार लेंगे तो ख़त्म। चलो तो सब लोग जो हैं मर चुके हैं। होल्ड टैप टू ओपन द वेपन व्हील, होल्ड टैप टू ओपन द वेपन व्हील। तो हम लोग फिर से जो हैं कॉर्प्स में से कलेक्ट कर लेते हैं सामान, काफ़ी सारे कॉइन्स मिलते हैं, कार्ट्रिजेस मिलते हैं और काफ़ी मेडिसिन भी मिल सकते हैं हम लोगों को। चलो च्यूइंग टबेको, तो हम लोगों को आइटम्स में जाना है। और अच्छा अच्छा डेटा इफेक्ट फिर से चालू करने के लिए हम लोगों को डेटा टॉनिक लेना पड़ता है। चलो तो हम लोग को जो है अपने ग्रुप के पास वापस जाना है। गुड वर्क बॉयस, या हम लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, और डस्ट जो है जा रहा है हम लोग को कुछ साथ से जिम्मेदारी सौंपेगा। तो हम लोग को जो है बिल्डिंग्स में छापा मारना है और उसमें क्या क्या मिलता है हम लोग को वो सब कैंप में लेके आना है। Let's go. तो पहले ढूंढ लेते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को, उसके बाद फिर से हम लोग अपने कैंप की ओर निकल पड़ेंगे। 4x crackers. What we have got here? Baked beans. तो चलो पहले ये सब ले लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। तो हम लोग को जो है यहाँ पे कुछ डायनामाइट्स मिलते हैं,
This looks good. Smells good. तो हम लोगों को ये सब जो है लेके जाना है अपने कैंप में, काफ़ी मदद हो सकता है. Did you get everything? Think so, boss. अच्छा, जो हम लोगों को एक मैप भी मिला है, दिस इज परफेक्ट. मैप नहीं है, शायद से कुछ ऑटिस्कल्स का प्लान होंगे, कैसे रोप करेंगे उसका प्लान है. मिस्टर चलो बाद में जाने दो. तो हम लोग जो है अभी यहाँ से इस कैंप से जो है निकल रहे हैं और कैंप की तरफ आगे बढ़ेंगे. नॉट ए मैन डाउन, ओके. तो ये जो कैंप पे जाने का रास्ता है काफ़ी लंबा है, तो पहले कैंप पहुँच लेते हैं और उसके बाद फिर से आप लोगों से बातें करेंगे. When we rob this train too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. तो काफी दूर जो है हम लोग आ चुके हैं, तो हो सकता है कैंप अभी ज़्यादा दूर ना हो. तो कुछ दूर आने के बाद हम लोग एक बंदा दिखता है, शायद से ये ओडिसल का बंदा है, तो जाना तो मुझे ही पड़ेगा. तो हम लोग को उस ओड्रिस्कल्स को पकड़ना है और अपने, और हम लोग उसके लिए जो है लासो की मदद लेंगे. ओड्रिस्को, ओके. तो हम लोग को जो है क्लिक करके उसके ऊपर एम करना है और लासो फेंकना है. तो फाइनली जो है हम लोगों ने काफ़ी आसानी से ओड्रिस्कल को, एक ओड्रिस्कल को जो है पकड़ लिया है. डोंट हर्ट मी, क्या पास से नहीं होता क्या? चलो पकड़ लिया. अरे फिर से छूट गया. अरे नहीं हट कर रहे हैं भाई, बस फिर से छूट गया. देखो छोड़ दिला सो, ओके. एफ, प्रेस एफ, ओके. तो हम लोगों ने जो है इसको अच्छे से टाइट करके बांध दिया है और इसको घोड़े पे बिठा के जो है हम लोग लेके जाएंगे. Hold R near the outer skull to picking up. Okay. Oh God, no. Approach. ठीक है, तो हम लोग इसको जो है स्टो करेंगे. चलो, और हम लोग जो है अपने टीममेट के पास वापस जाएंगे इसको लेके. और हॉर्स के साथ बॉन्ड भी काफ़ी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, तो बस हॉर्स को पैक करना पड़ता है और बोन जो है अपने आप बढ़ जाता है अपने हॉर्स के साथ. रिटर्न टू कैंप. तो शायद से हम लोग कैंप के काफ़ी करीब हैं. एक बार पहुंच जाने के बाद हम लोग इस आदमी को सौंप देंगे और हम लोग का जो मिशन है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. Couple of months. Are you trying to test me? Is that it?
because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. So, काफी दूर आने के बाद finally हम लोग को अपना कैंप मिल जाता है. बस ये नदी को पार करना है और आगे हम लोग का जो कैंप है. तो इस बंदे को कहाँ रखना है हम लोग को वहीं जगह पता चलेगा. तो हम निकले थे दिन में और वापस आए हैं रात में. मतलब पूरा दिन निकल गया है हम लोगों का. रिस्पॉन्ड द हॉर्स, रिमूव कैरन. ओके, तो ओके, डोंट वरी, दे आर रियल नाइस. तो आर्थर बोलता है कि ये सब अच्छे हैं बस, और डिस्कल को केबिन तक लेके जाना है और वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं. ओके, welcome to your new home. You're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. तो दस बोलता है कि इस जो हम लोग का कैदी है वो किसी सेफ जगह में उसको रखने को बोला है. और दस बोलता है कि हम लोग तभी शूट करते हैं जब जरूरत पड़ता है, नहीं तो हम लोग सबको सेफ ही रखते हैं. और इसको क्या चाहिए हम लोग खुद ढूंढ लेंगे. आई नो ड्रिस्कल इन माय कैंप. तो ये जो कैरन है वो बोलता है कि मैं एक ड्रिस्कल नहीं हूँ. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Well, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. तो जो ड्रिस्कल का प्लान था ट्रेन रोक करने का, तो हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसकी मदद से डच दिखेगा, एनालाइज करेगा कि हम लोग क्या ट्रेन को रोक कर सकते हैं. तो इसी के साथ हम लोग का ये मिशन यहीं पे ख़त्म होता है ऑल फ्रेंड्स. तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाने वाले हैं मिस्टर पियर्सन के पास और वहाँ से हम लोग सीधे जाने वाले हैं हंटिंग की तरफ. तो तब तक के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल के दूसरे कंटेंट को भी देख सकते हैं. विचर 3 वाइल्ड हंट, बैटलफील्ड, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे कई गेम्स के गेम प्ले वीडियोस मैं आए दिन अपने चैनल में डालता ही रहता हूँ. तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक एम रखते हैं 20 लाइक्स का. साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. यार आप लोग देखते हैं वीडियोस और सब्सक्राइब नहीं करते, अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है. तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.